हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं नाम अंकित और अभी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट के अंदर DSSSB से आई हुई जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो देखो सिविल वाले इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों की नहीं है। फिलहाल यहाँ पर मैं इस एडवर्टीजमेंट को अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखो DSSSB की वेबसाइट पे आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर मैं आपको बता दूं जो ओपनिंग डेट है इसकी, ये आप लोगों की 19 तारीख है ना, यानी कि 19 मार्च को आप लोगों का ये पर्टिकुलर फॉर्म आप लोगों का ओपन हो जाएगा और 17 अप्रैल तक आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पोस्ट, देख लेना यहाँ पर पोस्ट कोड में आप लोगों को बता दूंगा, मैं सीधा पोस्ट कोड के ऊपर आप लोगों को ले चलता हूँ। डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर लिखा रहेगा है ना, तो DPCC डिपार्टमेंट है और 68 आप लोग जहां पर जाके देखोगे इसके अंदर तो 68 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ना, देखना हाँ ये 68 नंबर का आप लोग का यहाँ पर पोस्ट कोड है। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की आपकी पोस्ट है, DPCC आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। अगर मैं बात करूं टोटल वैकेंसी की तो 35 है। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दे रखे जिसमें 13 जो है UR की आप लोग को यहाँ पर निकाल रखे। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर चाहे तो देख सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के लिए ये पर्टिकुलर पोस्ट आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। आगे की तरफ मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर यदि आप लोग DSSSB की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां पर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर यदि आप लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर दिख जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर डिटेल मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा, चलो इसको नीचे स्लाइड कर देते हैं। अब देखो ये आ गया आपका 68 नंबर का पोस्ट कोड, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है आप लोगों को, डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी आप लोग की यहाँ पर DPCC यानी कि आप लोगों का यहाँ पर डिपार्टमेंट रहेगा। 13 पोस्ट आपकी UR की है, OBC की 10 है, SC की 6 है, ST की 2 है, EWS की 4 है और साथ ही साथ टोटल वैकेंसी अगर मैं बताऊं तो 35 वैकेंसी आप लोग यहां पर बन जाती है। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं आप लोगों का कि इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर क्या बोला है आप लोगों से, तो क्वालिफिकेशन के अंदर इन्होंने बोला हुआ है कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग से या एनवायरमेंटल के अंदर अगर यदि आपकी डिग्री है तब भी आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है ना, जरूरी नहीं है डिग्री वाले फिल करें, डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैकेंसी पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री वाले भी अलाउड है, डिप्लोमा वाले भी आप लोग का अलाउड है, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगा है। पे स्केल की बात करूं तो वही आप लोग का ग्रुप बी का जो पे स्केल 6 रहता है वही आप लोग को मिलने वाला है, 35,400 बेसिक पे आप लोग का रहेगा। और यहां से इसके अलावा आप लोग को जो भी अलाउंसेस मिलते रहेंगे वो आप लोग को यहाँ पर अवेल करा देगी दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एज लिमिट की। एज लिमिट जो है आप लोगों को यहाँ पर बोला हुआ है कि 30 ईयर से ज्यादा आप लोग यहाँ पर एज लिमिट नहीं होनी चाहिए ना, तो इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने यहाँ पर रख दी। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो क्राइटेरिया आप लोगों का यहाँ पर इन्होंने इसी के अंदर आप लोगों को मेंशन कर रखा है। आप लोगों को वैसे ख्याल से पता होना ही चाहिए ये सारी बातें। तो ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो ये तो होगी हमारी एलिजिबिलिटी वाली बात। अब बात करेंगे आगे की तरफ कि सर पेपर की स्कीम कैसी रहेगी है ना, क्या आप लोगों के फी लगने वाली है, सारी बातें देखेंगे है ना। ठीक है, तो इन सब बात करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी कि जो भी आप लोगों से क्वालिफिकेशन मांगी है, जो भी एज मांगी है, एक्सपीरियंस हमारे नहीं मांगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी क्वालिफिकेशन है यानी कुल मिलाकर जो आपकी डिग्री है और साथ ही साथ जो एज लिमिट है, इसके लिए जो बेस्ट डेट इन्होंने बोली वो बोली 17 अप्रैल, यानी 17 अप्रैल से आप लोग यहाँ पर काउंट करके देख लें और आप लोग यहाँ पर जो है सभी क्राइटेरिया में फिट हो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को आप लोग DSSSB ऑनलाइन वाली वेबसाइट पर चले जाना, वहां से आप लोग यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आगे की तरफ कि पेमेंट कितना रहेगा। तो देखो एप्लीकेशन फीस जो है ज्यादा नहीं है, 100 रुपीज इन्होंने यहाँ पर रखी है जो कि मेरे ख्याल से बहुत सही है ना। और अगर मैं बात करूं तो विमेन कैंडिडेट्स को देख लेना, यहाँ पर लिखा है विमेन कैंडिडेट्स को और साथ ही साथ SC ST वालों को यहाँ पर ये 100 रुपीज की फीस भी आप लोगों को यहाँ पर पे नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात करता हूँ तो हमारा जो एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी वो 2 टायर रहेगी ना, यानी कि सिंगल पेपर नहीं होगा, डबल पेपर आप लोग के यहाँ पर होंगे ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करते हुए, नीचे की तरफ आपको दिखेगा है ना थोड़ा सा, तो देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2 टायर में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, टेक्निकल एग्जाम में आप लोग का। यहाँ पर देखो 68 दिख रहा है ना आपको पोस्ट कोड, 68 2024 की वैकेंसी है ना, तो 68 पोस्ट कोड के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। तो इन्होंने बोला है कि आप लोग का जो है 2 टायर का होगा और नॉन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, यानी कुल मिलाकर आपका कन्वेंशनल पेपर नहीं है, MCQs ही आप लोगों से यहाँ पर पूछे है ना, 2 टायर का है। अब देखो कैसा होगा, 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200 हो गए। पार्ट 1 रहेगा आप लोग का MCQ, इसके अंदर सारे MCQ है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके 2 पार्ट आएंगे है ना, 2 टायर में एग्जाम ले रहे हैं ना, जैसा होता है ना SSC लेता है आपका 1 टायर 2nd टायर है ना, सेम तरह से। तो इसमें भी आप लोगों जब टीयर 1 देने जाओगे तो टीयर 1 में 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, एक में आप लोगों से GK GS आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा ना। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, यहाँ पर आप लोगों से पास मैथमेटिक्स पूछ ली, इसने जनरल मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग आप लोगों से पूछी और साथ में GK आप लोगों से यहाँ पर पूछी है ना, ये आपका पार्ट हो गया।
इसके अलावा मैं बात करूं, ये देखो 100 मार्क्स के रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 20-20 नंबर के रहेंगे, यानी 20 की जीके आएगी, 20 की आप लोग रीजनिंग, 20 नंबर का हिंदी, 20 की इंग्लिश और 20 की आप लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स के लगता है ना। 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के। इसके बाद बात करूं पार्ट टू के अंदर आप लोग को यहाँ जो सब्जेक्ट की रिगार्डिंग रहेगा वो आप लोगों को मिल जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन का आप लोग को यहाँ पर टेक्निकल पूछेगा, ठीक है, टेक्निकल आप लोगों से यहाँ पर पूछ देगा जो भी उसने दे रखा है। फिर जब आप लोग यहाँ पर टीयर वन को देख कंप्लीट हो जाओगे तो फिर आपको टीयर टू देना पड़ेगा, है ना। तो टीयर टू के अंदर 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। अब देखो किस तरह से डिवाइड कर रखा है इसने, टीयर टू के अंदर जो पार्ट वन रहेगा जिसमें सब्जेक्ट वाला जो आप लोग का यहाँ पर टेक्निकल है, जैसे सिविल वाले तो सिविल से जो पूछेगा 75%, यानी कुल मिला के यहाँ पर 150 क्वेश्चन तो आपके सिविल के आएंगे और 25 क्वेश्चन जो आप लोग के आएंगे वो इंग्लिश और कॉम्प्रेंशन आएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश को हल्के मत लेना, प्री की तैयारी कर रहे हो और फिर आप लोग यहाँ पर बात की तैयारी कर रहे हो, टीयर वन की तैयारी कर रहे हो, तब भी आप लोग यहाँ पर देना है और टीयर टू के अंदर भी आप लोग यहाँ पर ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो दो टीयर में आप लोग एग्जाम लगने वाला, 50 नंबर का इंग्लिश आप लोग यहाँ आ रही है और शुरुआत 20 नंबर की आ रही है, तो टीयर वन में 20 नंबर की इंग्लिश है और यहाँ पर आपको 50 नंबर की इंग्लिश देखने को मिलेगी टीयर टू के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर एग्जाम देना है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, अगर नीचे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फो और निकल के आ रही है यहाँ से कि नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी आप लोगों की यहाँ पर वो 0.5 की रहेगी ना, ये याद रखना आप लोग। ऐसा नहीं है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बोल दे रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी जितने भी एमसीक्यूज टाइप के आप लोगों के पेपर हो, यानी कि आपके टीयर वन टीयर टू में दोनों में आप लोग का 0.5 मार्क्स का आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है, ठीक है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। बाकी सारी बातें तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई दी है, बाकी ये सब बातें जनरल है जो कि आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जिसको जो जो बेनिफिट मिल जा रहा है वो आप लोग यहाँ पर इस पर देख लेना, सब कुछ यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। जो एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में आप लोगों से मैंने बात करी थी तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखो आप लोग देख भी पा रहे हो, जैसा कि आप लोगों को मिलता आ रहा है वैसा आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलो देखो ये हमारा नोटिफिकेशन हो गया कंप्लीट। बाकी अगर यदि आप लोग और कोई क्वेरी करना चाह रहे हैं तो क्वेरी के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन आप लोग यहाँ पर ओपन है, उसके अंदर आप लोग चाहे तो पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर यदि आप तैयारी करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग किसी भी एग्जाम की तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहां पर हमारे कोर्सेस आप लोग यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम मिलते हैं बाकी अगले सेशन में। बाकी आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कर देना कि इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोग का आया, ताकि फॉर्म वॉर्म आप लोग यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर दो, क्योंकि ज्यादा पैसा तो लगने का ज्यादा कुछ खास है ना, 100 रुपए का पेपर है, आप लोग चाहो तो अच्छे से आप लोग यहाँ पर इसकी तैयारी करके आप लोग इस एग्जाम को एक बार दे सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, तो के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।